स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लास नाउ स्टार्ट एलकेजी मैथ्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है फर एंड नियर, फ्रंट एंड, बिहाइंड। अब हम लोग पढ़ेंगे हैवी एंड लाइट। क्या पढ़ेंगे? हैवी एंड लाइट। हैवी क्या होता है? जैसे कि जिसका वेट ज़्यादा हो वो हैवी होता है, और लाइट जिसका वेट कम हो वो क्या होता है? वो लाइट होता है। तो हैवी, जैसे आप लोगों की बुक में है हैवी एंड लाइट। डॉग से आई एम अ हैवी, रेड से आई एम अ लाइट। डॉग रेड के अकॉर्डिंग हैवी है एंड रेड डॉग के अकॉर्डिंग लाइट है। तो यहाँ पे लाइट रेड एंड हैवी डॉग है। नेक्स्ट बेड एंड चेयर के अकॉर्डिंग बेड हैवी एंड बेड के अकॉर्डिंग चेयर लाइट है। नेक्स्ट Those things which have more weight, जिसका वेट ज्यादा है, मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ लेकिन मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ, जिसका वेट ज्यादा हो वो क्या होता है? हैवी होता है। एग्जाम्पल जैसे डेफिनेशन हैवी का, जैसे those things which have more weight, हैवी मीन्स ज्यादा वेट, मतलब अधिक ज्यादा वेट। लाइट दोज थिंग विच हैव लेस वेट, जिसका वेट कम हो, जिसका वेट यानी जिसका वजन कम हो वो क्या होता है? लाइट होता है। और जिसका वेट ज्यादा हो वो हैवी होता है, जिसका वेट कम हो वो लाइट होता है। तो बॉल हैवी है, बैलून लाइट है, क्योंकि बॉल भारी है, बैलून के अकॉर्डिंग बॉल भारी है तो यानी ज्यादा है तो क्या हो गया? हैवी है, हैवी। एंड बॉल के अकॉर्डिंग बैलून वेट कम है, इसका वजन कम है तो बैलून लाइट हो गया। ओके, बॉल का वेट हैवी एंड बैलून का वेट लाइट। बैलून के अकॉर्डिंग बॉल हैवी एंड बॉल के अकॉर्डिंग बैलून लाइट हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल, एलिफेंट एंड कैट। एलिफेंट के अकॉर्डिंग कैट लाइट है एंड कैट के अकॉर्डिंग एलिफेंट हैवी है, क्योंकि एलिफेंट का वेट ज़्यादा है तो ये क्या है? हैवी है। और कैट का वेट कम है तो ये लाइट हो गया। आई थिंक बच्चों आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं। थैंक यू। मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ। ड्रा एनी वन हैवी थिंग्स एंड कलर इट। ड्रा एनी लाइट थिंग्स एंड कलर इट। आप लोगों को एक हैवी थिंग्स बनाना है और उसे कलर करना है। नेक्स्ट आप लोगों को एक लाइट थिंग्स बनाना है और उसे कलर करना है। थैंक यू। नाउ वी विल स्टार्ट मैथ चैप्टर अप एंड डाउन। आज आप लोगों के मैथ में जो चैप्टर है वो है अप एंड डाउन, मतलब अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। आज हम वो तो आइए पढ़ते हैं। अप एंड डाउन, ऊंचाई वाले प्लेस को हम अप बोलते हैं और डाउन वाले प्लेस को, मतलब नीचे है जो, उसे हम डाउन बोलते हैं। यहाँ पे टू बॉयज है, एक
स्केटिंग कर रहा है मींस अप है और सेकंड डाउन है मींस वो स्टैंडर्ड खड़ा हुआ है तो वो डाउन है। यहाँ पे स्केटिंग वाला बॉय अप है मतलब ऊपर है और जो जमीन में खड़ा है बॉय वो क्या है डाउन है। जैसे आप लोगों के बुक में है सम वर्ड्स आर दिस, ठीक है, वन बर्ड बर्ड, ये बर्ड क्या कर रही है फ्लाई कर रही है मतलब उड़ रही है और ये बर्ड डाउन है मतलब बैठी हुई है, तो ये बर्ड हमारी क्या हुई डाउन हुआ और ये बर्ड हमारा फ्लाई हुआ मतलब ये उड़ रही है तो ये क्या हुआ फ्लाई हुआ। एग्जाम्पल जैसे सन, सन कहाँ पे होता है आसमान में होता है, ठीक है, यहाँ पे चित्र में भी सन क्या है अप है और डक क्या है डाउन है तो ये सन क्या हुआ अप हुआ मतलब ऊपर है तो ये सन क्या हुआ अप है और ये डक क्या है डाउन है नीचे है तो ये डक डाउन है। यहाँ पे टू फ्लावर्स, एक फ्लावर्स है और वन लीव्स है, फ्लावर अप है मतलब ऊपर है और लीव्स नीचे है तो फ्लावर अप हुआ और लीव्स डाउन हुआ। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक ट्री है और एक मैंगो है, ट्री अप है मतलब ट्री काफी ऊंचा है मैंगो के अकॉर्डिंग और मैंगो ट्री के अकॉर्डिंग काफी नीचे है तो यहाँ पे ट्री क्या है ट्री अप हुआ और मैंगो डाउन हुआ। ओके तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गुड डे, बाय बाय स्टूडेंट्स।